मॉड्यूल वन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। बिफोर स्टार्टिंग द एजेंडा फॉर टुडे, आई वुड आस्क यू ऑल, जिनको भी पता है वो आंसर कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं जिनको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है एग्जैक्टली। सर, क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट सर्विसेज व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी व्हिच यू कैन एक्सेस ओवर द इंटरनेट। सो वी आर द एज आंसर, यू कैन क्लाउड ऑलरेडी कंप्यूटिंग इज अ कॉन्सेप्ट और वी आर गेटिंग द सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। और कोई? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज टू प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज ऑनलाइन रिमोटली। ठीक ओके, दैट इज आल्सो ओवर द इंटरनेट, राइट? ओके, और कुछ, किसी की कोई और अंडरस्टैंडिंग? अभी आपका दोनों का आंसर सेम ही था, वी आर गेटिंग द सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं सर, एक और वर्ड हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑन डिमांड, जो भी आपको ऑन डिमांड, डिमांड राइट? इसमें ये भी कह सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हम लोग सर्विसेज लेते हैं वो दूसरों के को दूसरे मैनेज करते हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग मैनेज करते हैं, बट जैसे हार्डवेयर और वी आर नॉट मैनेजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? यस यस ओके इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर एज वेल, ओके रिमोटली। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, ओके। एंड सो बेसिकली इट डील्स विद स्केलेबिलिटी, स्केल टू स्केल आर रिसोर्सेस, गुड पॉइंट। स्केलेबिलिटी। ओके, चलो थैंक यू। म्यूट कर लेना आप लोगों ने ना, ठीक है? देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग का सीधा सा मीनिंग आईटी में जो होता है ना, द लार्ज अमाउंट ऑफ आईटी सर्विसेज वी आर एक्सेसिंग ओवर द इंटरनेट, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब यहां पे एक वर्ड हमने यूज किया है, आईटी सर्विसेज। सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हमें अपना करना है कि यार आईटी के सर्विसेज होते क्या क्या हैं। एक डेटा सेंटर कीवर्ड आपको पहले क्लियर होना चाहिए। आईटी में जो जेनेरिक, सबसे पहले हम लोग जो जितने भी एप्लीकेशंस, जितने भी सर्वर्स, जितना भी स्टोरेज, जितने भी नेटवर्क के डिवाइसेस, हम लोग जहां पे एक लोकेशन पे, जिस प्लेस पे हम प्लेस करते हैं ना, दैट इज डेटा सेंटर। नाउ व्हाट इज डेटा सेंटर? एक रूम जहां पे आपने आईटी के सर्वर्स को, आईटी के स्टोरेज डिवाइसेस को, आईटी के नेटवर्क डिवाइसेस को आपने एक सेंट्रलाइज प्लेस कर रखा है, उस जगह को, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं डेटा सेंटर। ठीक है, दिस कैन बी योर बिल्डिंग, दिस कैन बी एनी रूम, ठीक है, एक एरिया। डेटा सेंटर में होता क्या है? सर्वर्स, एंड सर्वर विल होस्ट योर एप्लीकेशन, योर डेटाबेस, योर आईटी सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया? इतना इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो ये मार्केट में, अभी आपने देखा होगा कोई भी जॉब ओपनिंग आपके पास आता है तो सब लोग बोलते हैं यार वी आर गोइंग टू हायर फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी कि मार्केट में एक ऐसा डिमांड आया कि मैं अपना जो डेटा सेंटर, जो ट्रेडिशनल बेस मेरे थे आईटी के, आईटी में काम करने के, ट्रेडिशनल का मीनिंग क्या हो गया कि जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, जब क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में नहीं आया, उससे पहले क्या था? उससे पहले सीधा सा आपको पता है कि हर एक कंपनी के पास अपना एक डेटा सेंटर है, एक आईटी का हब, आईटी का रूम जहां पर उन्होंने अपने सर्वर्स को रखा हुआ है। सर्वर्स को हम खुद मैनेज कर रहे हैं, जब भी हमें सर्वर्स की जरूरत होती है उनका आईपी का कनेक्टिविटी, इंटरनेट देना, इंटरनेट पे एक्सेस करना, यूजर्स को क्रिएट करना, यूजर्स के लिए फिर सर्विसेज प्रोविजन करना, ये सब मैनेजमेंट हम खुद कर रहे हैं। ट्रेडिशनल वी आर द ओनर ऑफ द डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में हम जाके अपने एप्लीकेशन, सर्वर्स को, स्टोरेज को, नेटवर्क को सब हम देख पा रहे हैं और उनको जाके कॉन्फिगर भी कर पा रहे हैं, लोकल भी कर पा रहे हैं और रिमोटली भी कर पा रहे हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया कि यार हम ऐसा एक सॉल्यूशन आपको इंटरनेट पे देते हैं जो कि आपके खुद के डेटा सेंटर की तरह ही होगा। आपको अगर एक सर्वर चाहिए, आपने बोला कि यार मेरे को एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीन बना के दे दो, और उस मशीन को, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी योर विंडोज, लिनक्स, सेंटोस, फेडोरा, कुछ भी हो सकता है। उस मशीन को आराम से मैं ओवर द इंटरनेट, एक आईपी मेरे को मिलेगा, उस आईपी के बेसिस पे उसको मैं एक्सेस कर पाऊंगा। क्लाउड कंप्यूटिंग को सीधा सा आप ये मान के चले कि इट्स अ आईटी सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग भी आईटी का सर्विस है, और उन आईटी के सर्विसेज को वी आर एक्सेसिंग ओवर द इंटरनेट, दैट्स इट। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में पे एज मच यू आर यूजिंग का मतलब क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हम ये सब डिस्कस करेंगे। क्योंकि जितने भी फीचर्स आपके एक डेटा सेंटर के हैं, जैसे डेटा सेंटर में हम सिक्योरिटी चाहते हैं तो क्या हमें बैकएंड से प्रोविजन करना होता है, अगर हम डेटा सेंटर को स्केलेबल बनाना चाहते हैं, स्केलेबिलिटी हम अचीव करना चाहते हैं तो हमें क्या प्लानिंग करना होता है, डेटा सेंटर को हाई अवेलेबिलिटी देना होता है, डेटा सेंटर को डिजास्टर प्लान हमें करना होता है तो हमें क्या प्लानिंग ओवरऑल करना होता है, इन पॉइंट्स की मैं डिटेल्स में आपसे बात करूंगा। तो अभी के लिए दो टर्म आप क्लियर करें अपने, क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं होता, इट्स द आईटी सर्विसेज, एंड इन सर्विसेज को व्हेन वी आर एक्सेसिंग ओवर द इंटरनेट, दैट इज योर क्लाउड कंप्यूटिंग। यस प्लीज सर, ये एक क्वेश्चन था छोटा सा कि हम इसको लिनक्स से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आपको ओएस चाहिए ना, तो ओएस एज अ सर्विस, जैसे अभी तक आप लोग क्या करते हैं, आपके मैनेजर ने आपको बोला कि आपको एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके देना है, तो क्या सॉल्यूशन आप उसको देने वाले हैं? आप सीधा सा बोलोगे सर एक सर्वर पहले मेरे को चाहिए, उस सर्वर में इतना सीपीयू, इतना रैम, इतना स्टोरेज, ये नेटवर्क, एक एनआईसी उसमें होना चाहिए, राइट? तो तभी तो आप ओएस रन कर सकते हैं। अब आपके मैनेजर ने आपसे क्वेश्चन किया कि आई डोंट वांट टू परचेज द सर्वर, टेल मी द सॉल्यूशन। नाउ यू विल थिंक सर्वर, सर बिना सर्वर के हाउ आई कैन इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज ओएस इंस्टॉल करने के लिए वी रिक्वायर द हार्डवेयर। तो आप एक उनको आंसर कर सकते हैं कि सर मार्केट में ऐसे बहुत सारे वेंडर्स अवेलेबल हैं जो सेम सर्वर मेरे को ओवर द इंटरनेट दे सकते हैं। I will not get the complete physical server, that will be virtual. अभी आपसे मैं बात करने वाला हूं कि ये virtual keyword का मतलब क्या होता है। अभी आप ये मान के चले कि मेरे को अगर एक OS चाहिए ना, और OS के लिए मेरे को एक सर्वर चाहिए with some CPU configuration, RAM configuration, network configuration, और वो सर्वर भले ही मेरे डेटा सेंटर में ना हो, मेरे पास ना हो, फिर भी उस सर्वर को मैं ऐसा फील कर सकता हूं कि दिस इज लोकेटेड इन माय डेटा सेंटर और आई एम द ओनर ऑफ दिस सर्वर, राइट? तो ओएस ही आपको अगर चाहिए ना, क्योंकि आपकी डिमांड आया मेरे को ओएस चाहिए, ओएस में क्या फीचर्स हो, मैं एसएसएच कर पाऊं, अपाचे इंस्टॉल कर पाऊं, एंजिनिक्स इंस्टॉल कर पाऊं, कोई भी एप्लीकेशन में अपना रन कर पाऊं, बट हर एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए यू रिक्वायर द ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस को चलाने के लिए यू रिक्वायर द सम सर्टेन हार्डवेयर, और उस हार्डवेयर को क्या हम ऐसा नहीं कर सकते रेंट पे ले लें किसी से? यस ठीक है। ओएस अभी आपको समझ में आ गया, ओएस इज डिफरेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिफरेंट। ओएस क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए एक सर्विस हो गया, बट एक चीज याद रखना, कभी कभी ये डाउट भी होता है कि यार क्या ओएस हमें अकेला मिल जाता है? नहीं, यू नीड टू परचेज अ सर्वर, और सर्वर के अंदर ही आप एक ओएस को रन करोगे, ठीक है? ठीक है, दो पॉइंट मैंने क्लियर करे हैं अभी तक।
what is data center and what is the exact requirement of cloud computing. Iske features kya hai, we will discuss in detail. कुछ लोगों की जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके ना ये बहुत बड़ा डाउट होता है, मेरे से क्वेश्चंस किए जाते हैं कंटिन्यूअसली व्हेन वी स्टार्ट द न्यू बैच, कि सर क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से वर्चुअलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है. एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी था बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग जो डेटा सेंटर्स में हम लोग यूज करते थे, वर्चुअलाइजेशन. तो ये क्वेश्चंस आपके लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, गाइज डू यू थिंक कि क्लाउड कंप्यूटिंग आने से वर्चुअलाइजेशन का मार्केट या वर्चुअलाइजेशन के जो जॉब थे वो मार्केट से चले गए? व्हाट यू थिंक? मेरे ख्याल से सर वर्चुअलाइजेशन तो और भी बड़ा है. एग्जैक्टली. और किसी का कोई आंसर? तो देखो इन्होंने जो आंसर किया है ना बिल्कुल सही है. इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि Which technology we are using in backend of cloud computing? Cloud computing को पूरा platform या इस cloud computing को जब हम internet पे access करते हैं तो backend में हर एक vendor कौन है? आपका AWS Amazon हो गया, Azure Microsoft हो गया, GCP आपका Google हो गया. These are the vendors, most competitor in market. इन क्लाउड कंप्यूटिंग तो सीधा सा ये लोग बैकएंड में टेक्नोलॉजी क्या यूज करते हैं? कोई भी सर्विस हमको जब ये प्रोविजन करते हैं ओवर द इंटरनेट तो दैट्स द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी. अब थोड़ा सा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को समझाने से पहले भी मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं कि यार इसका जो पूरा इवोल्यूशन है ना क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों आया मार्केट में और क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले क्या था. अगर थोड़ा सा उससे भी पहले हम पिक्चर अपना क्लियर करते हैं डेटा सेंटर में एग्जैक्टली इतना जो टेक्नोलॉजी को लेके चेंजेस हुए हैं वो क्या क्या थे पहले. देखो आज भी हम लोग डेटा सेंटर में ही सर्वर्स को रखते हैं, पहले भी डेटा सेंटर में था, लेकिन उस डेटा सेंटर में सर्विसेज को यूज करने का तरीका हमें अलग अलग मिलता गया टाइम जैसे जैसे आपका चेंज हुआ. पहले हमारा लेट सपोज ये एक डेटा सेंटर है, दिस इज माई कंपनी डेटा सेंटर. अब थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग को भी साइड में रख दें और वर्चुअलाइजेशन को भी साइड में रख दें, ठीक है. पहले हम चलते हैं कि जब क्लाउड कंप्यूटिंग भी नहीं है, वर्चुअलाइजेशन भी नहीं है, तो हाउ वी आर कॉन्फिगरिंग माई सर्विसेज इन डेटा सेंटर. हम लोग क्या करते थे पहले, जैसे एक सर्वर हमने लिया अच्छी कॉन्फिगरेशन का और इस सर्वर का लेट सपोज कॉन्फ़िगरेशन था सीपीयू, इसमें 8GB रैम था, 1 CPU था और रैम का कॉन्फ़िगरेशन इसमें 8GB था और जो स्टोरेज इसमें लगा था लेट सपोज 1 TB स्टोरेज था और NIC भी इसमें 1 NIC इसमें लगा था, ठीक है. आपके मैनेजर ने बोला कि यार मेरे को एक एप्लीकेशन रन करना है, अपाचे का कोई एप्लीकेशन है लेट सपोज या कोई जावा का एप्लीकेशन था, ये मेरे को रन करना है, ठीक है. आपने बोला कि सर मैं ऐसा करता हूं, आपको एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, सर्वर आपने लगा दिया और ओएस डाल के आपने इस एप्लीकेशन को लाइव कर दिया. यानी कि आपने बोला कि मेरे को एक एप्लीकेशन अगर रन करना है ना तो वी रिक्वायर्ड द वन सर्वर. बिफोर वर्चुअलाइजेशन भी हम यही कर रहे थे, वन एप्लीकेशन वन सर्वर. लेकिन मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि यार ऐसे एप्लीकेशन फ्यूचर में मेरे को और भी चाहिए. तो आपने फिर उसको ना एक रिक्वायरमेंट दिया अपना कि सर एक सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक सर्वर और लगा के दे दो, फिर मैं इस पे आपके एप्लीकेशन को लाइव करके दे दूंगा. चलो एप्लीकेशन लाइव करने के लिए आपको सर्वर मिला, आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया, यानी कि दो एप्लीकेशन आपने चलाए, दो सर्वर को यहां पे आपने रिजर्व कर दिया. आपके मैनेजर ने बोला कि क्या ऐसा नहीं हो सकता मेरा जो जावा का एप्लीकेशन है वो हो सकता है देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि ये ओनली जो आपने
8 GB रैम इस सिंगल एप्लीकेशन के लिए रिजर्व कर रखा है, देर में भी पॉसिबिलिटी कि ये काम मेरा 1 GB रैम में ही हो जाए, इज इट पॉसिबल और नॉट? गाइस गिव मी द आंसर. इट इज, यस इट्स पॉसिबल. तो सिंपल मैंने बोला कि यार व्हाई आर यू वेस्टिंग 7 GB ऑफ रैम फॉर माय सर्वर. तो सिंपल आईटी का जो भी एडमिन था, उसका जो जिसने एप्लीकेशन को रन करके दिया था, उसने सीधा सा आंसर किया, आई हैव नो सॉल्यूशन टू सेव द रिसोर्सेस बिकॉज आई एम डायरेक्टली इंस्टॉलिंग माय एप्लीकेशन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओएस ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फुल रिसोर्सेस टू माय एप्लीकेशन. बट यहां पे एक पिक्चर क्लियर हुआ कि यार मेरे को कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए था. चलो एक तो ये रहा सॉल्यूशन, कांट वी रन द मल्टीपल एप्लीकेशंस इनसाइड वन सर्वर, वी कैन रन. चलो आपने बोला कि यार इसी सर्वर में एक एप्लीकेशन और रन कर देता हूं, लेकिन फिर भी आपका जैसे उस एप्लीकेशन ने भी 1 GB रैम लिया, तो दो एप्लीकेशन 2 GB रैम आपका कंज्यूम हो रहा है, लेकिन 6 GB रैम आपका आज भी वेस्ट जा रहा है. तो दोस्तों यहाँ पे दो एक तरीके से चैलेंजेस हमारे सामने आए कि हाउ वी कैन सेव द फिजिकल रिसोर्सेस ऑफ माय डेटा सेंटर. मेरे डेटा सेंटर में जो सर्वर्स चलते हैं उनकी रिसोर्सेस को मैं कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकता हूँ, रिसोर्सेस को सेव कर सकता हूं, या फिर लेट सपोज किसी भी एट द मोमेंट ऑफ टाइम आपके माइंड में एक 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 तरीके से एक सॉल्यूशन कुछ आया ऐसा कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, जो मैंने मशीन ये अपना डेटा सेंटर में लगा रखा है, अच्छी खासी कॉन्फ़िगरेशन मैंने ले रखा है, कांट वी रन द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर द सिंगल मशीन. आपके मैनेजर ने आपसे बोला कि मैं आपको जो सर्वर दे रहा हूं ना, इस सर्वर के अंदर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करके दे दो, तो आप क्या आंसर करोगे उसको? डोंट रिलेट विद द वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. आपके मैनेजर ने सिंपल सा आपको बोला, ना जब मार्केट में वर्चुअलाइजेशन था ना ही क्लाउड कंप्यूटिंग था, आपसे बोला गया कि दिस इज योर सर्वर एंड इस सर्वर के अंदर आप 3 ओएस मेरे को रन करके दे दो, क्या सॉल्यूशन आप उसको दोगे? इट पॉसिबल टू रन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर द सिंगल मशीन? नो. No, at right. the same time not possible, but it is possible for with the dual booting. Dual booting maximum we can run 2 operating systems in dual booting also, right? Yeah, but we can operate at a time 1 OS. Exactly. Now we have the one challenge or one problem, one limitation. We cannot run both the operating system machines simultaneously. एट अ टाइम वन मशीन कैन बी अप. अगर आपने बोला कि मेरे को आई रिक्वायर दी वन मशीन ऑफ विंडोज, वन मशीन ऑफ लिनक्स, देन दिस इज नॉट पॉसिबल. लाइक दोनों मशीन्स को आप एक बार में रन कर दो, आपका मन करे तो आप लिनक्स पे काम कर लो, विंडोज पे कोई भी टास्क आपको करना था तो विंडोज पे आप स्विच कर गए. नो, या तो विंडोज चलेगा एक बार में या फिर लिनक्स चलेगा. दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट वर्चुअलाइजेशन. राइट. अब यहाँ पे इन चैलेंजेस को थोड़ा सा सॉल्यूशन देने के लिए मार्केट में एक नया टेक्नोलॉजी आया जिसको हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया विद द वर्चुअलाइजेशन. वर्चुअलाइजेशन को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट सीधा सा था वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में कि आईटी के रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज करना एज अ शेयर रिसोर्स. शेयर का मतलब ये होता है कि मेरा 0% रिसोर्स बेस्ड होना चाहिए. अभी तो मैंने पता है आपको डेटा सेंटर में 8 GB के रैम के सर्वर्स का एग्जांपल दिया, बट वी आर नॉट यूजिंग एनी सर्वर विद 8 GB ऑफ रैम. बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशंस के सर्वर्स होते हैं जिनमें 500 GB रैम लगा है, 256 GB रैम लगा है. और एक सर्वर का दोस्तों कॉस्ट की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, ओनली परचेजिंग कॉस्ट, वेंडर कॉस्ट अप टू 15 लाख, 15 लाख रुपए के सर्वर पे अगर आपने एक एप्लीकेशन रन कर दिया तो यू आर सेविंग द कंपनी कॉस्ट और यू आर वेस्टिंग.
we are just wasting the company cost. तो सिंपल हमें एक टेक्नोलॉजी मार्केट में मिला जिसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन. अभी मैं आपको ना इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही लिंक करूंगा कि यार क्लाउड कंप्यूटिंग, यस दिस इज द क्लियर पिक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की ये मार्केट में क्यों है, क्या है. कुछ भी नहीं होता क्लाउड कंप्यूटिंग, आप डेली यूज करते हैं बट हम रिलेट नहीं कर पा रहे कि यार इस ये एग्जैक्टली बैकएंड में हो क्या रहा है. वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ने हमें दो चीजों के आंसर दिए, सिंपल ओनली दो ही चीजों के सॉल्यूशन वर्चुअलाइजेशन में मिले, इसके अलावा और कुछ नहीं था. विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वी कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स साइमल्टेनियसली. वी कैन वर्क ऑन द मशीन्स साइमल्टेनियसली. पहला आंसर मिला कि अगर आपको एक एक सिंगल सर्वर के ऊपर जो फिजिकल सर्वर आपने लिया है उस सर्वर पे अगर आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मशीन रन करने हैं और उन मशीन्स पे साइमल्टेनियसली अगर आपको काम करना है तो पहले आपको अपने एनवायरनमेंट को वर्चुअल करना पड़ेगा. वर्चुअल करते कैसे हैं, क्या सॉफ्टवेयर हमको यूज करने होते हैं, कौन कौन से, एक तरीके से आप ये मान के चलें ओएस हमें रन करने पड़ेंगे पहले वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को इनेबल करने के लिए. हर एक टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आता है ना तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग तरीके हैं. जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग आपको चाहिए तो उसके कॉन्फ़िगरेशन का तरीका अलग है, वर्चुअलाइजेशन आपको चाहिए तो उसके कॉन्फ़िगरेशन का तरीका अलग है, ओएस आपको इंस्टॉल करना है तो उसका तरीका अलग है. वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ने सिंपल हमको दो चीजों का आंसर किया, एक तो यू कैन सेव द कंपनी फिजिकल रिसोर्सेस, एक डेटा सेंटर के फिजिकल रिसोर्सेस को आप सेव कर सकते हैं, एफिशिएंटली उनको यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन साइमल्टेनियसली ओवर द सिंगल हार्डवेयर. अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है जो कि मेरे को ये अलाउ करता है कि आप फिजिकल रिसोर्सेस को सेव कर सकते हैं या उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, उस प्रोग्राम की हेल्प से आप लोग मल्टीपल ओएस आप रन कर सकते हैं. गाइस कैन यू टेल मी द नेम, क्या ऐसा होता है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में जिसकी हेल्प से हम लोग ये अचीव कर पाते हैं? एग्जैक्टली एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में सबसे जो काम का चीज होता है ना, जो ये सब चीज हमें अलाउ करता है, वी कॉल इट हाइपरवाइजर. जहां पे भी दुनिया के किसी भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में आप काम करते हैं, मोस्ट पॉपुलर जो वेंडर्स आप लोग जानते हैं दे आर डीलिंग विद द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी. सबसे ज्यादा जो मोस्ट यूजेस जो आप यूज करते हैं, सबसे ज्यादा मार्केट को जिसने कैप्चर कर रखा है, दैट इज वीएमवेयर. वीएमवेयर के बाद सबसे पहले जिसने वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को मार्केट में आईटी में इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज सिट्रिक्स. सिट्रिक्स के बाद आपका रेड हैट और विंडोज, सो ऑन. ठीक है, अभी ये क्या होते हैं मैं जो नाम लिख रहा हूं ये आप थोड़ा सा ना भी ध्यान दें तो चलेगा, मैं अभी आगे बताने वाला हूं आपको. ठीक है, विंडोज वी कॉल इट हाइपर वी. ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ये बात करता हूं आपसे, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी या एक सर्वर को आप कितने तरीके से वर्चुअलाइज कर सकते हैं. वर्चुअलाइज का मतलब होता है लॉजिकली रिसोर्सेस को ब्रेक कर देना, दैट्स इट. अगर मेरे पास 8 GB रैम है तो मैं चाहूं तो इस सेम सर्वर पे विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आई कैन क्रिएट 8 virtual machine with having the 1 GB RAM of configuration for each machine. But वो होता कैसे है?
यानी कि एक सर्वर को वर्चुअलाइज करने के दो तरीके हैं, या आपसे कोई पूछ लेना इंटरव्यू में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यू नो, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास होता है दो टाइप का। टाइप वन एंड आपका टाइप टू। यानी कि जब क्लाउड कंप्यूटिंग पिक्चर में नहीं था तो सब कंपनियों ने बोला कि यार हम ऐसा करते हैं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को ही यूज करते हैं अपने डेटा सेंटर में। फायदा हमें ये हो रहा है कि एक सर्वर के ऊपर वी कैन रन द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स, और रिसोर्सेज भी हमारे सेव हो रहे हैं, और हम जो नया सर्वर हमेशा परचेज करते थे, जब भी हमारे पास नई एप्लीकेशन का डिमांड आया वी आर गोइंग टू परचेज न्यू सर्वर, तो कंपनी का कॉस्ट भी मेरा कम लग रहा है और मेरा काम भी हो रहा है जो मेरे को चाहिए। टाइप वन जो वर्चुअलाइजेशन दोस्तों आपका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेयर मेटल। और टाइप टू जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओएस वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर देखो जो सबसे ज्यादा जो हम लोग कंपनी में यूज करते हैं ना, वेयर मेटल रिकमेंडेड फॉर द प्रोडक्शन सिस्टम्स। लाइव आपके अगर एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, कंपनीज के जो सर्वर्स हैं, हमेशा हम वेयर मेटल मेथड ही यूज करते हैं। टाइप टू आप सब लोग यूज करते हैं, जिन्होंने लिनक्स का ट्रेनिंग वगैरह अटेंड किया है वो टाइप टू हमेशा यूज करते हैं। हम लोग बताने वाला हूं मैं कि टाइप टू में क्या होता है और टाइप वन में क्या होता है। ठीक है, आपके डेटा सेंटर में एक सर्वर था, ठीक है, अगर आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी सर्वर पे अगर इनेबल करना है ना, तो पहले आपको किसी भी एक कंपनी का, कोई सी भी कंपनी हो सकती है ये, जो कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर्स देती है, प्रोग्राम देती है, प्लगइन्स आपको अवेलेबल कराते हैं। आप चाहे तो VMware का यूज कर सकते हैं, हाइपरवाइजर। अब हाइपरवाइजर क्या होता है पहले उसकी मैं आपसे बात कर लेता हूं। व्हाट इज हाइपरवाइजर? हाइपरवाइजर देखो, सबसे पहले तो आप इसको मान के चलें, इट्स अ मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम। मिनिमल का मतलब है कि ओएस की तरह ही होता है, नॉट एग्जैक्टली योर ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इट लुक्स लाइक अ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपसे कोई बोले कि OS का OS इंस्टॉल करके दे दो, आपके मैनेजर ने आपसे बोला कि यार OS इंस्टॉल करके दे दो, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? हाँ जी, आपसे सिंपल ये बोला गया कि यार OS इंस्टॉल कर दो सर्वर के ऊपर, तो क्या बोलोगे आप? सिंपल आंसर ये तो करोगे, सर विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट? गाइस गिव मी द आंसर प्लीज। यस, विच ऑपरेटिंग सिस्टम वी वांट? Yes, sir. आप सर विंडोज चाहते हैं, लिनक्स चाहते हैं, सेंटोस चाहते हैं, उबंटू चाहते हैं, क्या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहते हैं? तो सेम चीज आप याद रखना, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में आपसे अगर कोई बोले ना कि इस वाले सर्वर पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दो, तो हाइपरवाइजर इज अ लेयर जस्ट टू वर्चुअल योर हार्डवेयर। अगर आप इस वाले, जैसे मैंने जो ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, अगर आपसे कोई बोले ना कि इस पे यार हाइपरवाइजर इंस्टॉल करके दे दो, तो आपको ना ये बोलना है कि हाइपरवाइजर को इंस्टॉलेशन का तरीका तो एक ओएस की तरह ही होता है। जैसे एक ओएस हम सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं ना, हमारे पास आईएसओ होना चाहिए, तो हाइपरवाइजर का भी आईएसओ होता है, लेकिन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जो फीचर आपके एक ओएस में होते हैं वो फीचर आपके हाइपरवाइजर में नहीं है, और जो फीचर्स आपके एक हाइपरवाइजर में होते हैं वो विंडोज में नहीं है या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। हाइपरवाइजर का यूज केस बिल्कुल अलग होता है, ओएस का यूज केस बिल्कुल अलग होता है। इनसाइड द हाइपरवाइजर वी कैन नॉट इंस्टॉल अपाचे सर्वर, वी कैन नॉट इंस्टॉल डीएससीपी सर्वर, वी कैन नॉट इंस्टॉल लाइक वी कैन नॉट इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन, डेटाबेस इंस्टॉल नहीं कर सकते, बट
inside the operating system, we can install application, we can install database, we can install any server. तो हाइपरवाइजर का यूज क्या हुआ, आपके इस सर्वर के फिजिकल रिसोर्सेस को वर्चुअल कर देना. वर्चुअल का मतलब होता है शेयर कर देना. और दूसरा यूज केस क्या है हाइपरवाइजर का, अगर मैं इस सिंगल मशीन पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मशीन रन करना चाहता हूं तो मेरे को पहले यहाँ पे हाइपरवाइजर डालना पड़ेगा. आपसे बोल दिया कि यार इस पे एक ओएस इंस्टॉल कर दो और ओएस के अंदर ना नेस्टेड ओएस रन कर दो. इज इट पॉसिबल, नेस्टेड मतलब इसके अंदर रन कर दो. आपके लैपटॉप में विंडोज चलता है, सब लोग आप विंडोज यूज करते हैं. आपसे मैं बोल दूं कि यार इस विंडोज के अंदर विंडोज इंस्टॉल कर देना, तो आप कर सकते हो? हाँ जी, इज इट पॉसिबल? नो सर, एब्सोल्युटली नो. राइट, क्योंकि विंडोज में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि उसके अंदर एक विंडोज में चला दूं. बेस हार्डवेयर में ये फीचर है कि उसको डुअल बूट हम बना सकते हैं, बट देर हैव नो फीचर इन विंडोज इटसेल्फ कि उसके अंदर एक और विंडोज हम रन कर दें. दैट्स व्हाई हमने बोला कि यार ऐसा कोई टेक्नोलॉजी लेके आओ मार्केट में जो कि मेरे इस हार्डवेयर को ऐसा कस्टमाइज कर दे कि यहाँ पे मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मशीन रन कर पाऊं और जिस मशीन को जितने रिसोर्सेस मेरे को प्रोविजन करने हैं उतने रिसोर्सेस में यहां से क्या कर दूं, प्रोविजन कर दूं. क्योंकि सर्वर जो मैंने लिया है ना वो बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर है और इस कंप्लीट सर्वर को मैं रिजर्व नहीं करना चाहता कि वन एप्लीकेशन वन सर्वर. नो, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे पास मल्टीपल टीम्स में मैं काम करता हूं और उन टीम्स को अलग 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 सर्वर्स अगर चाहिए तो एवरी टाइम एक एक सर्वर में रिजर्व नहीं करूंगा. हो सकता है मैं ऐसा कर सकता हूँ हर एक टीम के जितने भी सर्वर्स जितने भी मशीन उनको चाहिए उस सिंगल सर्वर पे मैं होस्ट कर दूं. तो टाइप वन वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, एक हार्डवेयर को वर्चुअल करने के दो तरीके हैं, या तो वेयर मेटल मेथड यूज कर लो आप या फिर ओएस वर्चुअलाइजेशन. वेयर मेटल हमेशा रिकमेंड होता है इन कंपनीज डेटा सेंटर्स प्रोडक्शन में जो हम यूज करते हैं वो वेयर मेटल ही यूज करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या बोला, मैं यार पहले किसी कंपनी से ना उनका एक सॉफ्टवेयर ले लेता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली ओएस इंस्टॉल नहीं करूंगा यहाँ पे, आई विल इंस्टॉल दी हाइपरवाइजर. अब हाइपरवाइजर कौन सा मेरे को चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी नाउ. जैसे आपने बोला कि सर ओएस हम कौन सा रन करते हैं, तो कंपनी ना अपना फायदा देखती है. लाइनक्स हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड टू परचेज द एक्टिवेशन की और लाइसेंस, दैट इज ओपन सोर्स. विंडोज हम यूज करेंगे तो वी नीड द एक्टिवेशन की, वी नीड टू परचेज द लाइसेंस. तो सेम आपका हाइपरवाइजर के लिए है. हाइपरवाइजर भी बेस्ड ऑन द लाइसेंसिंग कॉस्ट दो तरीके के हैं, ओपन सोर्स और कॉपीराइट. इनमें से जो कॉपीराइट आपका है, VMware इज कॉपीराइट, VMware आपका कॉपीराइट है. अगर आपको इनके हाइपरवाइजर का आपसे इंटरव्यू में अगर कोई पूछ ले कि विंडोज VMware वाले कौन सा हाइपरवाइजर देते हैं, तो आपको आंसर करना है ESXi उनके हाइपरवाइजर का नाम है. ऐसे ही OS विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के OS का नाम क्या है, आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले माइक्रोसॉफ्ट कौन सा OS अवेलेबल कराता है मार्केट में, तो क्या आंसर करोगे आप, विंडोज. ओएस की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइपरवाइजर. रेडिट वाले कौन सा हाइपर ओएस देते हैं अपना मार्केट में, लिनक्स देते हैं, राइट. तो सेम आपको क्या याद रखना है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग सम ऑपरेटिंग सिस्टम और हाइपरवाइजर. तो सेम आपका VMware के हाइपरवाइजर का नाम है ESXi. सिट्रिक्स वालों के हाइपरवाइजर का नाम क्या है, Zen. रेडिट वालों का KVM. KVM इज आपका ओपन सोर्स है. KVM अगर आपको चलाना है तो नो नीड टू परचेज एनी लाइसेंस. सेम विंडोज के हाइपरवाइजर का नाम क्या है, Hyper-V. अब आपने बोला कि चलो मैं अगर इस सर्वर पे कोई सा भी एक हाइपरवाइजर मेरे को इंस्टॉल करना है
तो मैं किसी भी कंपनी का हाइपरवाइजर लूंगा, सबके फीचर्स अलग हैं, सब पे काम करने का तरीका अलग है, लेकिन हर एक हाइपरवाइजर में एक फीचर मेरे को मिल रहा है, टू रन द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स, चाहे मैं ESXi लूं, चाहे मैं Zen का हाइपरवाइजर लूं, चाहे KVM, चाहे Hyper-V. लेट सपोज आपने बोला मैंने VMware से कॉन्टेक्ट किया और उनसे एक लाइसेंस लिया और इस हार्डवेयर पे डायरेक्टली मैंने क्या इंस्टॉल कर दिया, ESXi, जो सॉफ्टवेयर, जो मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को मिला था. इट्स नॉट इक्वल टू योर OS, गाइज, प्लीज बी क्लियर. की बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि जो ESXi हम इंस्टॉल करते हैं ना, दैट इज इक्वल टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम. नो, यू कैन नॉट रन द VLC मीडिया प्लेयर, यू कैन नॉट इंस्टॉल द MS ऑफिस, ये सब आप यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते. इट्स अ प्लग इन, काइंड ऑफ प्लग इन आप बोल सकते हैं, बहुत ही लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं. इस सॉफ्टवेयर में ओनली एक फीचर है, हार्डवेयर को वर्चुअल करना, रिसोर्सेस को शेयर करना, लॉजिकली उनको डिवाइड करना, और टू रन द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स, दैट्स इट. अब इस ESXi के अंदर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, अपने मशीन्स यहां पे क्रिएट कर लो. अब जो बार बार जो ये मशीन कीवर्ड में यूज कर रहा हूं ना, इसको ही आप अपना एक सर्वर बोल सकते हैं. या तो आप इसको सर्वर बोलो, मशीन बोलो, या फिर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन. आप चाहे तो जितने भी मशीन्स आप इस ESXi के अंदर आप रन कर सकते हैं, हार्डवेयर आपका दोस्तों सेम है, यू कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स. लेट सपोज आपने बोला यहां पे मैंने कर दिया लाइनेक्स इंस्टॉल, यहां पे मैंने कर दिया विंडोज को इंस्टॉल, यहां पे कर दिया मैंने उबंटू को इंस्टॉल, यहां पे कर दिया मैंने सेंटोस को इंस्टॉल. हो सकता है लिनक्स के अंदर आपका एक एप्लीकेशन चल रहा है, विंडोज के अंदर एक चल रहा है, और आपका उबंटू के अंदर एक चल रहा है, सेंटोस के अंदर आपका एक. और ये जो वर्चुअल मशीन है ना, सबका अपना अपना अलग अलग आईपी है, अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपना अलग अलग सीपीयू है, रैम है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है. लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है निकल के, हु इज प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेस. रिसोर्सेस बोलते किसको है हम, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और आपका NIC. आपसे एक क्वेश्चन मैं करता हूं, जब आप एक सर्वर परचेस करने जाते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या चेक करते हैं, आप ब्रांड चेक करते हैं, HP का है, डेल का है, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे आप ज्यादा फोकस रहते हैं दोस्तों, कोई भी सर्वर आप जब परचेस करते हैं तो फॉर द कॉन्फ़िगरेशंस, राइट, कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या मिल रहा है. अब यार एक चीज मेरे को बताओ, OS चलाने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें अगर एक OS इंस्टॉल करना है तो OS चलाने की रिक्वायरमेंट होती है कि एक ऐसा हार्डवेयर हमें मिले जिसमें CPU हो, RAM हो, हार्ड डिस्क हो और NIC हो. तो सेम चीज जो मैं इनको वर्चुअल मशीन्स जो आपको बोल रहा हूं ना, इन वर्चुअल मशीन्स में CPU भी मिल रहा है आपको, RAM भी मिल रहा है, हार्ड डिस्क भी मिल रहा है और NIC भी मिल रहा है आपको. लेकिन वो मिल कहां से रहा है, इस बेस हार्डवेयर से. जितना चाहिए आपको मिलेगा, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि यार मेरे को ये मिल कहां से रहा है, आपको ऐसा फील होगा कि आई एम गेटिंग द स्टैंड अलोन सर्वर. ठीक है, तो दो चीजों का आंसर आपको यहां पे मिल गया, एक सर्वर पे मल्टीपल मशीन भी हम रन कर पा रहे हैं, वर्चुअल मशीन्स हम रन कर पा रहे हैं, और इनको जितने भी रिसोर्सेस की जरूरत है, जितना भी सीपीयू चाहिए, रैम चाहिए, नेटवर्क चाहिए, स्टोरेज चाहिए, मेरे को मिल रहा है आराम से. तो यहाँ पे कंपनी का कॉस्ट आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया, एफिशिएंटली आपने इस सर्वर को. और आपने बोला फ्यूचर में यार मेरे को और भी अगर सर्वर बनाने होंगे ना, तो मेरे को नो नीड टू परचेज अ न्यू सर्वर, मैं इसी सर्वर पे चाहूं तो एक और वर्चुअल मशीन यहाँ पे बना सकता हूं. इसको बोलते हैं हम क्या, टाइप वन वर्चुअलाइजेशन. क्लियर है सबको ये चीज, किसी को डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड पूछ लेना अभी. चलो, टाइप टू का मतलब क्या होता है दोस्तों, समझ में आ रहा है या फिर यू आर ऑन साइलेंट, की मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछ पा रहा और समझ में भी नहीं आ रहा है. सर
हाँ जी समझ में आ रहा है, क्लियर है ना सर? आई हैव अ क्वेश्चन, यस सर। बेयर मेटल में और ओएस वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस? हाँ, ओएस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ओएस मैंने बताया नहीं, ठीक है? देखो आप, ओएस वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आप ये क्वेश्चन कर सकते थे कि सर क्या एक ही तरीका हमारे पास ऐसा है कि हम मल्टीपल अगर ओएस के मशीन चाहते हैं तो एवरी टाइम वी नीड टू इंस्टॉल एनी हाइपरवाइजर फर्स्ट, बेस मशीन जिसको हम बोलते हैं, बेस मशीन पे पहले हाइपरवाइजर इंस्टॉल करो और फिर आप अपने वर्चुअल मशीन्स बाद में आप बना सकते हैं। क्या एक ही तरीका है हमारे पास? नहीं, तरीका दूसरा भी है, बट प्रोडक्शन में हमेशा हम जो यूज करते हैं ना वो ये वाला तरीका ही यूज करते हैं। आप एक स्टूडेंट हो, टेस्टिंग के लिए आप कुछ अपना टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप सबने देखा होगा हम लोग जनरली जो यूज करते हैं विंडोज का मशीन यूज करते हैं, मतलब ये मेरा एक लैपटॉप है, लैपटॉप में मैंने एक ओएस इंस्टॉल कर रखा है विंडोज। अब इस विंडोज के अंदर अगर मैं ऐसे ही वर्चुअल मशीन अगर बनाना चाहता हूं तो मार्केट में ना हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है जो कि एक यूटिलिटी मेरे को अवेलेबल कराते हैं टू रन द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन इनसाइड द ओएस। कौन सा है वो एप्लीकेशन का नाम? VMware Workstation, VMware Workstation या फिर Oracle Virtual Box या फिर VMware Player। बट यहाँ पे देखो एक चीज हो गया आपका, रिसोर्सेस की अगर सेव करने की हम बात करते हैं ना, देखो कुछ रिसोर्स तो आपने ओएस के लिए वेस्ट कर दिए, राइट? कुछ रिसोर्स आपका जो ये एप्लीकेशन चलेगा इसको भी अमाउंट ऑफ सीपीयू रैम आपको एलोकेट करना पड़ेगा, राइट? एग्री करते हैं ना सब लोग? और फिर आप देखो क्या कर रहे हैं, फिर आप इसके अंदर ये मशीन्स आप क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक इंटरप्राइज सॉल्यूशन की बात करता हूं ना, बहुत सारे फीचर्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि ओएस में नहीं है और इस ESXi में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए था, सर अगर मेरा ये ESXi पूरा डाउन हो गया, लेट सपोज इस हार्डवेयर में कोई फेलियर हुआ, तो क्या मैं अपने वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस कर पाऊंगा? आपका आंसर क्या है दोस्तों? नो, ही कैन नॉट एक्सेस। तो मेरे को ये बताओ आप, ये मशीन्स अगर मेरे एक्सेस नहीं है तो इनके अंदर एप्लीकेशन चल रहा है और एप्लीकेशन भी मेरा क्या हो गया? अनरीचेबल। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि मैं अपने सर्वर को हाई अवेलेबिलिटी देने के लिए, अगर मेरा ये वन सर्वर विल गो डाउन, तो मेरे जितने भी मशीन है वो माइग्रेट होके कहां पे आ जाएं? अपने आप से विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन कहां पे आ जाएं? इस दूसरे सर्वर पे। तो ये चीज हम हाइपरवाइजर से अचीव कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका विंडोज आपने शटडाउन कर दिया, एक चीज आप बताओ, जब VMware वर्कस्टेशन एप्लीकेशन आप चलाते हैं, देखो इस एप्लीकेशन का मैं आपसे दोस्तों बात कर रहा हूं, जैसे मैंने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में VMware वर्कस्टेशन, बेस मशीन में मैंने विंडोज डाला हुआ है और यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूं दिस इज VMware वर्कस्टेशन। तो यहाँ पे मैंने मशीन बना रखा है जैसे एक CentOS का, मतलब विंडोज में मैं CentOS का मशीन यूज कर पा रहा हूँ आराम से। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर मैं इस विंडोज को शट डाउन कर दूं तो क्या मैं VMware वर्कस्टेशन में जो मशीन है उसको एक्सेस कर पाऊंगा? बट मैं चाहता क्या हूं, मेरा विंडोज अगर बंद हो जाए तो मेरा मशीन अपने आप से माइग्रेट होके दूसरे लैपटॉप पे चला जाए, इज इट पॉसिबल? नहीं कर सकते हम, इस एप्लीकेशन में नहीं कर सकते और ओएस में ऐसा कोई फीचर नहीं है। ओएस में तो ये फीचर भी नहीं था कि हम मल्टीपल मशीन यहाँ पे रन कर पाए। अब मल्टीपल मशीन हमें रन करने थे, दैट्स व्हाई वी इंस्टॉल द VMware वर्कस्टेशन। बट इन सॉफ्टवेयर्स में बोला जाता है कि स्टैंड अलोन एक सर्वर पे ही आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, अगर मेरा ये सर्वर पूरा डाउन हो तो मेरे जितने भी मशीन है वो माइग्रेट होके कहां पे आ जाएं? दूसरे अवेलेबल सर्वर पे। मैंने एक क्लस्टर बना रखा और क्लस्टर में मल्टीपल हाइपरवाइजर्स मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। मल्टीपल हाइपरवाइजर इंस्टॉल क्यों कर रखे हैं? क्योंकि कभी भी मेरा बेस मशीन पे हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, स्टोरेज फेलियर हो सकता है,
यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का ज्यादा हो सकता है। तो मैं चाहता क्या हूं, जैसे ही मेरा ये बेस मशीन ज्यादा हाईली यूटिलाइज हो, कोई हार्डवेयर फेलियर हो, सारे मशीन अपने आप से माइग्रेट होके दूसरे अवेलेबल सर्वर पे चले जाए। ठीक है, तो आई थिंक आपको सबको क्लियर होगा कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। गाइस प्लीज आंसर इट। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको AWS से कनेक्ट करने को जा रहा हूं। ठीक है, AWS को दोस्तों हम बोलते क्या है, Amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, Amazon देखो आपको सबको पता होगा, प्लीज म्यूट, कोई अनम्यूट पे है। ठीक है, सबको पता है दुनिया में कि Amazon एक बहुत ही ई कॉमर्स का बहुत ही बड़ा कंपनी है जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल कराता है, राइट। बट इनका ना एक दूसरा बिजनेस भी है जिसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग देखो आपको पहले मैं कनेक्ट करूंगा क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ओनली। ठीक है, AWS जब इन्होंने अपना जो ई कॉमर्स का जो इनका मेन बिजनेस था ना, अभी भी ये लोग ई कॉमर्स में ही डील करते हैं ज्यादातर, आईटी का जो इनका बिजनेस है दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। पहले आई एम टॉकिंग अबाउट द ई कॉमर्स बिजनेस। आपको एक वेबसाइट पता है इनका amazon.com। amazon सिंपल बोलता क्या है कि हमारा ये URL है, इसको लॉग इन करो, आप कोई भी प्रोडक्ट आपको ऑर्डर प्लेस करना है आप यहां से कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट करता हूं, इट्स 2007 की आसपास जब इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग को जो पिक्चर में लेके आए थे ना, वो AWS Amazon ही था सबसे पहले 2007 में। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था दोस्तों, US में इनका बिजनेस था, अभी भी ये लोग US में बहुत ज्यादा, ज्यादातर जो बिजनेस इनका है US में ही है। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इसके ओनर ने बोला कि यार हम ऐसा करते हैं, एक वेबसाइट हम बनाते हैं विद amazon.com, और डेटा सेंटर में इन्होंने अपने कुछ सर्वर्स पहले लगा रखे थे और इन सर्वर्स पे अपना पूरा वेबसाइट इन्होंने होस्ट कर दिया। दे स्टार्टेड विद द स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले जो स्टेशनरी का जिसको भी ऑनलाइन सामान चाहिए वो इनको अवेलेबल कराने लगे। ठीक है, बिजनेस इनका बहुत अच्छे से चल रहा था कि ऑनलाइन जिन लोगों को भी कुछ भी स्टेशनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए तो आप ऑनलाइन जाके अपना प्लेस कर सकते हैं, आपके घर पे ऑर्डर पहुंचेगा आराम से। ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद इनका जो ऑनर है उसने आईटी टीम से कॉन्टेक्ट किया। उस बंदे ने बोला सीधा सा कि यार हमको ना एक बिग मिलियन सेल प्लान करना है, लेकिन बिग मिलियन सेल के लिए मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, हो सकता है कि 1 मिलियन यूजर्स मेरे उस दिन लॉगिन करेंगे इस वेबसाइट पे amazon.com पे। दोस्तों ये वाला एग्जांपल अगर आपको क्लियर हो गया ना, तो आप पूरा आराम से आंसर कर दोगे कि यार क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं है। एज अ ऑनर, लेट सपोज आई एम द ऑनर ऑफ Amazon, मैंने आईटी टीम से कॉन्टेक्ट किया कि यार मैं एक बिग मिलियन सेल प्लान करने वाला हूं, कि जो ऑनलाइन हम लोग बिजनेस करते हैं ना, जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग सेल करते हैं उस पर फ्लैट 50% हम डिस्काउंट देंगे ऑन एवरी प्रोडक्ट। आईटी टीम ने बोला कि यार ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो सर्वर मैंने लगा रखे हैं ना, ये सर्वर भी अपने आप में कुछ लिमिटेशंस रखते हैं कि आप कितने यूजर्स को साइमल्टेनियसली लॉगिन करा सकते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा जब हमारा कोई भी बिग मिलियन सेल फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे प्लान होता है, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इनका वेबसाइट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है फास्ट। कोई भी ऑर्डर वगैरह हम सर्च करने जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, या फिर हम अपना ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाते ड्यू टू द हाई ट्रैफिक।
मैंने बोला कि यार हर एक सर्वर का ना एक लिमिटेशन है. ईच सर्वर कैन हैंडल द मैक्सिमम 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड. अगर 100 रिक्वेस्ट मेरे एक सर्वर पे आते हैं तो इन तीनों सर्वर का जो लिमिटेशन है ना मैक्सिमम, ये तीनों सर्वर मिलके 300 रिक्वेस्ट को सर्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. गाइज यू ऑल एग्री राइट? हर एक सर्वर का एक लिमिटेशन भी है ना, कितना लोड हम उनपे रन कर सकते हैं. राइट सर, राइट. अगर उससे ज्यादा ट्रैफिक मेरे सर्वर पे अगर जाएगा तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि सर्वर हार्डवेयर फेलियर हो गया, स्टोरेज फेलियर हो गया, नेटवर्क फेलियर हो गया, कुछ भी हो सकता है. और एट द एंड अगर सर्वर मेरा बंद होता है ना तो दिस इम्पैक्ट विल बी फॉर द एप्लीकेशन ऑल्सो. एप्लीकेशन मेरा कौन सा? amazon.com या मोबाइल से जो यूजर काम कर रहे होंगे उनको इम्पैक्ट होगा, या जो ऑनलाइन ब्राउजर के थ्रू काम कर रहे हैं उनको इम्पैक्ट होगा. बट मैं ऐसा चाहता नहीं क्योंकि उससे एट द एंड मेरी कंपनी को लॉस है. अब मैंने बोला क्या कि यार उस लॉस को थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने एक बिग मिलियन सेल अगर प्लान करना है, अपने आईटी टीम से मैंने कांटेक्ट किया कि यार 1 मिलियन यूजर मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऑन द डे ऑफ बिग मिलियन सेल. टेल मी द सॉल्यूशन. चलो आपने बोला एक प्रपोज आपने प्लान प्रपोज किया उनको कि आप ऐसा करना हमको 100 सर्वर्स दे दो अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के. ठीक है, 100 सर्वर्स के लिए आपने बोला 10 लोड बैलेंसर दे देना जो कि मेरे ट्रैफिक को बैलेंस करने के लिए मैं लगाऊंगा. ठीक है, और कुछ फायरबॉल्स की भी जरूरत होगी मेरे को, कुछ राउटर की भी जरूरत होगी, स्विचेस की भी जरूरत होगी, और कुछ अलग से मेरे को बैकअप वगैरह लेने के लिए स्टोरेज की भी जरूरत होगी. आपने ये पूरा प्लान बना के अपने ऑनर को दे दिया. ऑनर ने आपके इस प्लान को गो थ्रू किया और डेटा सेंटर में आपके 100 सर्वर्स यहाँ पे प्लेस करा दिए. अब 100 सर्वर्स को कॉन्फिगर करने के लिए आपने एम्प्लॉइज को भी हायर किया. ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो बंदे 3 सर्वर्स का काम कर रहे थे वो 100 पे कर लेंगे. नहीं, आपने अपने आईटी के टीम का साइज भी बढ़ाया. एट द एंड में उन चीजों को आपको हिट नहीं करना चाहता हूँ जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे. जस्ट थिंक कि यार जो काम 3 सर्वर पे हो रहा था वो 100 पे अगर हमें कराना है तो हार्डवेयर एक्सपेंशन हमें करना पड़ेगा, डेटा सेंटर का साइज हमें बढ़ाना पड़ेगा. चलो वो चीज आपने कर दिया, सब चीज आपने कर दिया परफेक्टली. 100 सर्वर्स भी आपने लगा दिए, इन 100 सर्वर्स पे ओएस का इंस्टॉलेशन भी आपने कर दिया, एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन भी आपने कर दिया, और इन 100 सर्वर्स को आपने लाइव भी कर दिया. रिजल्ट आपके पास क्या आया? आपके डेटा सेंटर में टोटल कितने सर्वर्स हो गए दोस्तों? 103 सर्वर्स यू हैव इन योर डेटा सेंटर. फर्स्ट ऑफ जनवरी को या 31st ऑफ दिसंबर का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं पहले. ठीक है, 31st ऑफ दिसंबर को रात को 12 बजे आपने अपना बिग मिलियन सेल को ओपन किया. ठीक है, यूजर्स ने क्या किया, अपने जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह उन्हें परचेज करने थे उन्होंने अपना काम किया, सबको डिस्काउंट मिला. ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका 1st ऑफ जनवरी आपने बोला कि मैं यार 12 घंटे के लिए सेल को ओपन करूंगा, और दिन के 12 बजे आपने सेल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. नाउ यू टेल मी गाइज हाउ मच ट्रैफिक यू आर एक्सपेक्टिंग नाउ? 300. वी विल एक्सपेक्ट ओनली यूजुअल ट्रैफिक, राइट? 300 रिक्वेस्ट, क्योंकि जो 1 मिलियन यूजर थे उन्होंने तो अपना डिस्काउंट देखा और वेबसाइट पे लॉग इन किया, उनको प्रोडक्ट्स मिले, डिस्काउंट मिला. लेकिन आप क्या सोच रहे हैं अपने बिजनेस के लिए? आपने बोला यार फिर से मेरे को 300 रिक्वेस्ट मिलेंगे. नाउ यू टेल मी हाउ मेनी सर्वर्स रिक्वायर्ड टू मैनेज द 300 रिक्वेस्ट? 3 सर्वर्स. नाउ व्हाट यू विल डू विद दीज 100 सर्वर्स? थिंक अबाउट इट. इसका आप करोगे क्या? 100 सर्वर्स जो आपके पास एक तरीके से फालतू के पड़े हैं, आप ऐसा तो करोगे नहीं कि उनको ऐसी चलाने. भाई 300 रिक्वेस्ट के लिए 103 सर्वर आप लगा के रखें, क्या
क्या आपने सही प्लान किया इस चीज को कंपनी में ना? अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, किसी बंदे ने अभी जब मैं पूछ रहा था एक डेफिनेशन की क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, एक मिनट दें ये एप्लीकेशन थोड़ा सा अभी एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था एक तो आंसर किया था सॉरी जब मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन आपसे बोल रहा था, एक तो ऑन डिमांड का पे एज मच यू आर यूजिंग, और एक बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने किया था स्केलेबिलिटी। लास्ट वाले एग्जांपल में मैं आपको लेके चलता हूँ। कंपनी में ना दो तरीके की कॉस्ट होती है जब आप एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट काम करते हैं ना, कस्टमर आपके पास चल के आता है सॉल्यूशंस आपसे पूछेगा कि एक तो दोस्तों कॉस्ट होता है आपका कैपेक्स और एक बोलते हैं क्या ओपेक्स। कोई बता सकता है कि कैपेक्स और ओपेक्स का मतलब क्या होता है? सर कैपेक्स में जो कॉस्ट हम एक बार लगाते हैं वो कैपेक्स में आती है, और जो हम डेली ऑपरेशनल पर्पस में यूज करते हैं वो ओपेक्स में आती है। ओके, कोई और? कैपेक्स जो होता है जब किसी भी फाइनेंशियल ईयर में के स्टार्ट में कोई भी इंफ्रा को या किसी भी नई मशीन को परचेस करने के लिए जो वन टाइम कॉस्ट पे करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपेक्स। और अगर डे टू डे एक्टिविटीज में मेंटेनेंस के ड्यूरिंग जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं थ्रू आउट द ईयर दैट इज गुड दैट इज कंसीडर्ड इन द ओपेक्स। ओके, देखो कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और ओपेक्स का मतलब होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। यानी कि कैपिटल का मतलब ये हो गया कि यार आपने जो अपने डेटा सेंटर को बनाने के लिए उसमें जितने भी हार्डवेयर आपने लगाया, सर्वर्स परचेज किए, स्टोरेज आपने लिया, लोड बैलेंसर आपने लिया, फायरवॉल्स आपने लगाए, कोई एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन आपने नहीं किया, यू आर जस्ट सेंट्रलाइजिंग योर डेटा सेंटर। आप फिजिकल टॉपोलॉजी उसका रेडी कर रहे हैं और उस फिजिकल टॉपोलॉजी को एक तरीके से डिजाइन करने के लिए जितने भी डिवाइसेस, जितने भी स्विचेस, राउटर, सर्वर्स, स्टोरेज आपने लगाए, उनका जो ओवरऑल कॉस्ट होता है ना, वी कॉल इट कैपेक्स, कैपेक्स कॉस्ट। ओपेक्स का मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल। आपने जो उसके रनिंग कॉस्ट, डेटा सेंटर की रनिंग कॉस्ट को हम बोलते हैं ओपेक्स। आपने एक एप्लीकेशन उस पर रन करना है, एप्लीकेशन को कॉन्फिगर करने के लिए इंप्लॉइज आपने हायर कर रखे हैं, दैट इज कम्स अंडर द ओपेक्स। तो यहां पे एक चैलेंज मेरे सामने आया, AWS ने क्या बोला कि यार मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि अपना खुद का डेटा सेंटर बिल्ड नहीं कर सकते हैं, राइट? आपने तो अपना डेटा सेंटर लगा रखा है, 103 सर्वर वहां पे रखे हुए हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो कि अपना ये जो डेटा सेंटर मैंने बनाया था ना, मतलब Amazon ने जो बनाया था, बट और कंपनी जैसे वो इसको लगा ही नहीं सकते, उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं है और वो श्योर भी नहीं है, भाई मेरे को क्या पता कि मैं जो ये डेटा सेंटर इतना बड़ा लगाने को जा रहा हूं मेरा कंपनी फ्यूचर में चलेगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर फॉर दैट। बट मैं अगर बिजनेस करना चाहता हूं तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि यार सर्वर्स मेरे पास हो तभी तो मैं बिजनेस कर सकता हूं। तो Amazon ने भी ना दोस्तों सेम चीज को पिक किया कि मैं मार्केट से आईटी से ऐसे बंदों को पिक करता हूं या ऐसे कंपनीज को सर्च करता हूं जो कि कैपेक्स अपना लगा ही नहीं सकते, कैपेक्स के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनको लिमिटेड टाइम के लिए सर्वर्स चाहिए, स्टोरेज चाहिए, डेटाबेस चाहिए। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते?
Amazon ने भी ना ये सेम चीज सोचा कि मैंने जो मेरे डेटा सेंटर में जो मेरे पास जो इतना एक्स्ट्रा हार्डवेयर है ना, जो 100 सर्वर्स मेरे पास हैं, 100 सर्वर्स के लिए लोड बैलेंसर मैंने लिए, इतने सारे सर्वर्स हैं तो क्यों ना उनसे मैं अपना बिजनेस कर लूं। तो इन्होंने बोला अपने आईटी टीम को, लेट्स वर्क ऑन द न्यू बिजनेस मॉडल, हमारे पास जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर है ना उससे हम अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया क्लाउड कंप्यूटिंग। मैंने अमेज़न को सीधा सा कॉल किया कि यार मेरे को ना एक सर्वर आप दे दो। तो उन्होंने क्या बोला मेरे से कि हम आपको जो सर्वर दे रहे हैं ना, सर्वर आपको जो मिल रहा है वो आपका हो गया क्या ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब क्या हो गया, जब भी मैंने अमेज़न से कांटेक्ट किया एक सर्वर के लिए तो वो हमसे ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार आप ना एक घंटे वेट कर लो, एक घंटे के बाद मैं आपको सर्वर दे दूंगा। नहीं, उन्होंने सीधा सा क्या बोला आपसे कि ऑन डिमांड का मतलब है जब भी मेरे को जरूरत होगी आई विल नॉट वेट। लेकिन एक चीज आप मेरे को बताओ, जब बिग मिलियन सेल इट्स सेल्फ जब अमेज़न ने प्लान किया था तो 100 सर्वर्स क्या एक दिन में कॉन्फिगर हो जाएंगे? टेल मी द रफली आइडिया गाइज, आप एक रफली आइडिया दो, अगर आपको 100 सर्वर्स प्रोविजन करने हैं, लाइव करने हैं, तो कितना टाइम आपके अकॉर्डिंग लग सकता है 100 सर्वर्स को रेडी करने के लिए? कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ना, कम से कम 6 मंथ्स आपने ओनली सर्वर को कॉन्फिगर करने के लिए लगा दिए। और आपका काम क्या था, आपको एक वेबसाइट चलाना था सिंपल सा amazon.com, आपने एप्लीकेशन के साइड फोकस नहीं किया, आपने अपने सर्वर्स के प्रोविजनिंग पे इतना टाइम वेस्ट कर दिया 6 महीने। और चलो मैं एक चीज बात से क्लिक करता हूं, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेबिलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग को जो इतना पॉपुलर और इतना स्मार्ट जो बनाया है ना, बिकॉज ऑफ इट्स सिंगल फीचर। क्लाउड कंप्यूटिंग जो मार्केट में आज चलता है ना, इसका सबसे जो अच्छा फीचर है और एक सिंगल फीचर है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग को इतना स्मार्ट बनाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे को एक चीज आंसर करें, जो लोग डेटा सेंटर में काम करते हैं, क्या डेटा सेंटर में हमको हाई अवेलेबिलिटी नहीं मिलता? हाँ जी, आप अपने डेटा सेंटर में कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो क्या उस पर आपको हाई अवेलेबिलिटी नहीं मिलता? मिलता है। क्या आपको सिक्योरिटी नहीं मिलता? मिलता है। क्या आपको माइग्रेशन का फीचर नहीं मिलता? बट प्रोविजनिंग इतनी फास्ट नहीं होती जितनी कि क्लाउड में होती है। एक मिनट, क्या आपको, चलो प्रोविजनिंग फास्ट है, प्रोविजनिंग तो यार वहां पे भी फास्ट है डेटा सेंटर में भी। एक बार ओएस आपको मिल जाए तो रिमोट लॉग इन करना है, आप कैसे भी लॉग इन करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दो। लेकिन डेटा सेंटर में आपके मैनेजर ने आज आपको रात को फोन करके बोला, जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था, आंसर करना इस चीज का, क्लाउड कंप्यूटिंग जब नहीं था आपके मैनेजर ने आपको फोन करके बोला संतोष या जो भी कॉल में है, यार 100 सर्वर्स मेरे को कॉन्फिगर करके दे दो, तो क्या एक रात में आप कर दोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। आप तो यही बोलोगे ना सबसे पहले कि सर 100 सर्वर फिजिकली तो हो मेरे पास पहले डेटा सेंटर में। यानी कि आपके डेटा सेंटर में जब आपको रिसोर्सेस की जरूरत पड़ी, यू डोंट हैव द रिसोर्सेस अवेलेबल ऑन डिमांड। आप पहले क्या करते हैं, एक परचेज ऑर्डर आप अपना ओपन करते हैं, अपने कॉस्ट सेंटर पे जाते हैं कंपनी के, वहां पे परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं, रिक्वेस्ट एचपी के पास, डेल के पास आपका जाता है, वो फिर आपके शिप कर आपके हार्डवेयर को पूरे डेटा सेंटर में पहुंचाते हैं, देन यू आर स्टार्टिंग द केबलिंग कनेक्टिविटी, और उसके बाद आप उसमें ओएस इंस्टॉलेशन, ये सब काम करने के बाद यू हैव योर एप्लीकेशन। बट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहता है कि अगर आपने अभी प्लान किया ना, टाइम क्या हो रहा है 9:37, अगर आपने अभी आपके माइंड में आया ना कि मेरे को 100 सर्वर चाहिए, AWS को बिना बताए आप जाके अपने अकाउंट में 100 सर्वर्स ऑन डिमांड आप प्रोविजन कर सकते हैं।
there is no requirement to inform well in advance. AWS को कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है. This is the meaning of scalability. Scalability simple ये कहता है whenever you need the resources, resources are available. अब आपने बोला कि सर चलो आप एक चीज मेरे से बोल रहे हैं, अगर सेम चीज में बिग मिलियन सेल, सपोज करो आप क्लाउड कंप्यूटिंग पिक्चर में आ गया बिल्कुल, मैं AWS के क्लाउड में ही एक ऐसा एप्लीकेशन रन कर रहा था जिसपे की स्टार्टिंग में मेरे को 3 सर्वर्स उस एप्लीकेशन के लिए मेरे को चाहिए थे. अब बिग मिलियन सेल वाले दिन मैंने क्या किया, 103 सर्वर अपने क्लाउड कंप्यूटिंग में रन कर दिए और 12 बजे जैसी 1st of January को मेरा सेल जैसे कवर होगा, नाउ हाउ मेनी सर्वर्स बी रिक्वायर्ड अगेन. हाँ जी, 3 सर्वर्स आफ्टर द बिग मिलियन सेल टाइम. तो अब यहाँ पे जो मैं 100 सर्वर्स का जो कॉस्ट AWS को दूंगा, भाई सर्वर्स का रनिंग कॉस्ट तो आपको क्लाउड में देना ही पड़ेगा, क्या वो 100 सर्वर्स को ऑटोमेटिकली डिलीट मेरे को खुद करना पड़ेगा या अपने आप से डिलीट हो जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक गाइस? ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे सर. इट्स ऑटोमेटिक. जब भी देखो एडिशन भी यहाँ ऑटोमेटिक है और उनका रिमूव क्लीन अप भी आपको करना है ना, वो भी ऑटोमेटिक है. दैट्स अ फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि ऑन प्रमाइसेस आपको नहीं मिल रहा था. वी हैव द लॉट्स ऑफ चैलेंजेस ऑन प्रमाइसेस टू एक्सटेंड द साइज ऑफ माय डेटा सेंटर. चलो एक और चीज की मैं आपसे बात करता हूं, पे एज मच यू आर यूजिंग का मतलब क्या होता है? पे एज मच यू आर यूजिंग क्या मतलब होता है इसका? कोई एग्जांपल देके मेरे को आप समझाएं. यूज करता हूं लाइक जैसे कि हम वीडियो ऑन डिमांड देखते हैं, तो कोई कंटेंट हम वॉच कर रहे हैं और उसके बाद हमने देख लिया और वो आपका जो भी उसका टाइम फ्रेम होता है उसके बाद वो खत्म हो जाता है. तो जरूरी नहीं है कि आप उसको आपने महीने भर की कॉस्ट पे की, आपने जैसे पे पर व्यू कंटेंट होता है तो क्रिकेट आपने बस उस कंटेंट को वॉच किया और उसके बाद खत्म हो गया. एग्जैक्टली सेम क्लाउड कंप्यूटिंग कहता है. अमेज़न आपसे पता क्या कहता है, अगर आपने कोई सर्वर मेरे से 1 GB रैम, 1 CPU, 1 NIC और 50 GB स्टोरेज के साथ लिया और उस सर्वर को अगर आप 1 घंटे चलाते हैं ना, तो आपको ओनली कितना कॉस्ट देना है? 1 घंटे का कॉस्ट आपको देना है. मतलब जितना आप यूज करोगे उतना ही पे आपको करना है. एक सबसे अच्छा एग्जांपल यार, आप ये मान के चले सब लोग ऑन साइट जाते रहते हैं. हाँ जी आशीष, आर यू कॉल? आप रिमोट लोकेशन पे काम कर रहे हैं राइट? जी. आपको अपने कंपनी जाना होता होगा होटल से वहां से. हाँ. तो आपने अपना खुद का वहां पर्सनल कार परचेज कर रखा है या फिर आपने क्या कोई अल्टरनेट ऑप्शन ले रखा है उसका? हाँ मतलब मेरे पास ऑप्शन है, अल्टरनेट ऑप्शंस भी हैं. यू आर लुकिंग फॉर द टैक्सी एज अ सर्विस लाइक राइट? मतलब आपने बोला कि यार रेदर देन परचेजिंग द कार व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट लुक फॉर द टैक्सी एज अ सर्विस. कोई वेंडर मेरे को ऐसा मिल जाए जो मेरे को रेंट पे जब भी मेरे को जरूरत पड़े मेरे को एक कार भेज दे बस. क्योंकि यार जब मैं अपनी पर्सनल कार लेता हूँ ना, उसमें बहुत सारे टेंशन मेरे सामने हैं. मेरे को उसका इंश्योरेंस कराना है, उसकी सर्विस करानी है. भाई हर एक डेटा सेंटर का, जब आप अपना डेटा सेंटर बनाते हैं ना कंपनी में, यू हैव द लॉट्स ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट एज वेल. आपने बोला कि यार ये सब चीजों की टेंशन मेरे को नहीं लेना है कि उसका कूलिंग टेम्परेचर कितना रखना है, डेटा सेंटर की सफाई, क्लीनअप, सिक्योरिटी गार्ड, डेटा सेंटर की बिल्डिंग का रेंट, ये सब मैं मैनेज नहीं करूंगा. और बाद में भी डेटा सेंटर में बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने हैं. सर्वर का एंड ऑफ लाइफ है, फिर हर एक हार्डवेयर जो मैंने अपने डेटा सेंटर में लगा रखा है कुछ टाइम के बाद उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा, अगेन आई नीड टू रिप्लेस माई सर्वर्स. तो ये सब टेंशन मेरे पास हर एक 10 साल में आएंगी. इसको कम करने के लिए मैंने बोला मैं ये सब काम नहीं करूंगा, हार्डवेयर को मैनेज नहीं करूंगा, बट मेरे को जब भी सर्वर्स एप्लीकेशन जब भी मेरे को चाहिए होंगी ऑन डिमांड मैं अपने वेंडर से सपोर्ट का कॉन्टेक्ट करूंगा एंड ही हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड मी द सर्विस ऑन डिमांड. सेम आपने देखा होगा इंडिया में बहुत ही टैक्सी एज ए सर्विस कौन दे रहा है, ओला एंड उबर. हम लोग क्या करते हैं, वो लोग आपसे बोलते हैं कि सर आपको एक एप्लीकेशन मिला है ओला का, वहां पे आप जाओ अपना टैक्सी जब आपको चाहिए ना, सोर्स डेस्टिनेशन मेरे को आप बता दो, इतने किलोमीटर्स का हम चार्ज लेते हैं
और किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग आप मेरे को पे कर देना, उसके बाद आपको टेंशन नहीं है कि ड्राइवर कहाँ जाता है, कार कहाँ जाती है, कार की मेंटेनेंस सर्विस कौन कराएगा, ये आपको टेंशन नहीं है। हमेशा हम आपको वेल कंडीशन कार अवेलेबल कराएंगे, बेस्ट सर्विस आपको अवेलेबल कराएंगे विद बेस्ट फीचर्स। यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइज, कहाँ मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ, राइट? सबको क्लियर है ना क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, पे एज मच यू आर यूजिंग का मतलब क्या है इसमें? ठीक है, चलो। तो इन्होंने पता है क्या किया, सिंपल AWS ने बोला कि यार हमारे पास जो हार्डवेयर है ना इससे हम नया बिजनेस करेंगे, एक नया वेबसाइट इन्होंने बना दिया अपना। फिर इन्होंने बोला कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो URL हमारा होगा ना AWS.amazon.com, यहां पे जो हम बिजनेस करते हैं ना दिस इज फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको कुछ नहीं करना है, इस URL पे जाना आप, जैसे आप Amazon का अकाउंट बनाते हैं एक अकाउंट आपको यहां पे अलग से बनाना पड़ेगा, सेम अकाउंट काम नहीं करेगा। यहां पे अपना एक नया अकाउंट बनाओ और हम आपको उसी अकाउंट से जितने भी सर्विसेज आपको चाहिए, सर्वर आपको चाहिए, डेटाबेस आपको चाहिए, स्टोरेज आपको चाहिए, एप्लीकेशन आपको चाहिए, मेल सर्वर आपको चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए रेडी टू यूज, डॉकर कंटेनर क्यूबरनेटीज एनसीबल कुछ भी आपको चाहिए, वी आर प्रोवाइडिंग ओवर द सिंगल URL। ठीक है, तो अब एक चीज आप मेरे को बताओ, अब आप बोलोगे सर फिर वर्चुअलाइजेशन में और क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या हुआ? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, जैसे ओला का ही एग्जांपल हम लेते हैं, ओला वाले जो कार का सर्विस आपको देते हैं, क्या आपके लिए एक सिंगल कार वो फिक्स कर देते हैं हमेशा? मतलब जब भी आप अपना कार बुक करते हैं तो हमेशा एक ही कार आपको मिलता है क्या? हाँ जी, टैक्सी जब आप बुक करते हैं एवरी टाइम यू आर गेटिंग द न्यू कार, राइट? और कोइंसिडेंस ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेम नंबर का कार मिल गया, इट्स ऑन द अवेलेबिलिटी ओनली, और या आपसे वो कार वाला ये बोलता है कि सर मैंने आपको आज बिठा लिया तो आज के बाद अपनी कार में किसी को नहीं बिठाऊंगा। हाँ जी, गाइस गिव मी द आंसर एटलीस्ट। नो सर, राइट? कोई भी बंदा यार उनका तो बिजनेस है, सेम AWS वाले बोलते हैं कि मेरे पास जो भी कस्टमर आएगा ना, मैंने अपने डेटा सेंटर्स वर्ल्ड वाइड लगा रखे हैं, हर एक कंट्री में जाके मैं अपने बिजनेस करता हूं, फिजिकली मेरे डेटा सेंटर्स हैं, उस डेटा सेंटर में मैंने अपना हार्डवेयर लगा रखा है, उस हार्डवेयर को पहले मैंने कर रखा है वर्चुअलाइज विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। उस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को कैसे मैंने वर्चुअलाइज किया ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको मैं उसका एक इंटरफेस दे रहा हूं अपना। मेरे डेटा सेंटर में आपको अगर सर्वर चाहिए ना तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते, आपने अगर मुंबई में जाके सर्वर चाहिए तो आपने मुंबई का फ्लाइट पकड़ा और मुंबई के उनके डेटा सेंटर में आप चले गए और वहां पे केबल लगाया और अपने सर्वर को बना के आगे, ऐसा नहीं कर सकते। और एक 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 और आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, लेट सपोज Amazon ने अपने डेटा सेंटर में एक सर्वर लगा रखा है 256 GB रैम का, आपने बोला कि यार मेरे को ये सर्वर आप रेंट पे दे दो, तो क्या Amazon ऐसा करता है कि पूरा सर्वर आपके लिए फिक्स करके दे दिया उन्होंने कि 256 GB का सर्वर ये आपके लिए फिक्स हो गया? हाँ जी, नो सर, इट्स नॉट लाइक दैट। इन्होंने बोला कि ये जो 256 GB का जो सर्वर है ना, हमने भी इस सर्वर पे क्या इंस्टॉल कर रखा है बैकएंड में? हाँ जी, क्या इंस्टॉल कर रखा है? हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रखा है। अब इस हाइपरवाइजर का तो काम हो गया, जितने भी कस्टमर आए, जैसे सपोज करो मैं 3 कस्टमर के नाम लिखता हूं, IBM, SCL, Infosys, तीनों कंपनीज ने कॉन्टेक्ट किया Amazon से कि हमें सर्वर चाहिए, तो
Amazon ऐसा नहीं कहता, Amazon ये भी कर सकता है दोस्तों कि IBM का सर्वर भी इसी हाइपरवाइजर पे चल रहा हो, मशीन SCL का भी यहीं पे चल रहा हो, इंफोसिस का भी यहीं पे चल रहा हो। लोगों की पता अंडरस्टैंडिंग क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके, कि जब हम Amazon से कॉन्टेक्ट करते हैं ना उनकी टेक्निकल सपोर्ट टीम से, तो वो लोग क्या करते हैं अपने डेटा सेंटर में एक डेडिकेट रैक लगा के हमको अलग से सर्वर दे देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ये भी देखने को नहीं पता चलेगा कि मेरा सर्वर कौन से रैक में है, कौन से हाइपरवाइजर पे है, कौन से सर्वर पे चल रहा है। तो मैं आगे चल के ना आपको अगर कोई कीवर्ड ऐसे यूज करता हूं कंप्यूट या फिर हाइपरवाइजर या फिर होस्टिंग सर्वर, याद रखना इन तीनों का मीनिंग ही सेम होता है। वन कंप्यूट, वन हाइपरवाइजर, वन होस्टिंग सर्वर कैन हैव द एन नंबर ऑफ मशीन्स। क्लाउड कंप्यूटिंग में मशीन को ही हम इंस्टेंस बोलते हैं। अगर मैं आगे चल के अभी आपसे बोलू ना इंस्टेंस, सॉरी इंस्टेंस कीवर्ड अगर मैं यूज करता हूं, तो इंस्टेंस का मतलब आप समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्वर, और जो आपका ये इंस्टेंस चल रहा है ना इट्स होस्टेड और इट्स रनिंग ऑन कंप्यूट हाइपरवाइजर और ऑन होस्टिंग सर्वर। सर, देन इन दिस केस, इन दिस केस वो हमको सिर्फ एक वर्चुअल मशीन बनाकर दे देते हैं एंड द ओके, बाकी फिर बाकी एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस इज आवर जॉब। यस, ओएस आपको मिल गया, ओएस के अंदर आपको क्या करना है, ओएस के अंदर आपको डेटाबेस चलाना है, एप्लीकेशन चलाना है, अपाचे चलाना है, कुछ भी आप उसके अंदर, मतलब यार कंपनी में एक एक आपके अंदर लैपटॉप आपको मिला है अपना लैपटॉप, कंपनी ये रिस्ट्रिक्ट थोड़ी करती है कि आप इस पर बीएलसी इंस्टॉल नहीं कर सकते या और कोई एप्लीकेशन नहीं चला सकते। ओएस मिल गया, ओएस के फीचर्स को आप कैसे भी यूज करो, अमेज़न वो चीज मॉनिटर नहीं करता। अमेज़न क्या बोलता है, मेरे से आपने जो लिया है ना वो लिया है आपने एक सर्वर, आपके सर्वर के अंदर मैं लॉग इन नहीं कर सकता, ओएस के अंदर मैं आपके लॉग इन नहीं कर सकता, वो राइट्स आपके पास ही है। OS में कुछ भी आप रन करो, चाहे डेटाबेस रन करो, कोई एप्लीकेशन रन करो, इट्स योर जॉब। सर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यूज एज यू गो, एज इन उसमें भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे तो दे विल चार्ज फॉर द VM ओनली, VM के लिए चार्ज करेंगे, नॉट फॉर द एप्लीकेशन, नॉट फॉर द एप्लीकेशन। तो यूज एज पर गो फिर वो यही हुआ कि कितना वो हमें जो रिसोर्स दिए हैं ओनली, जैसे कि रिसोर्सेज आपको दिए उन्होंने 1GB रैम और आपने बोला एक सीपीयू दे देना, लेकिन इन रिसोर्सेस को ना वर्चुअल बोलते हैं, ये डेडिकेटेड रिसोर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, दीज आर द वर्चुअल रिसोर्सेस। मतलब एक जो सर्वर उन्होंने 256GB का लगा रखा है ना, इसमें से ही 1GB रैम काट के आपको दे दिया एक तरीके से, ये मान के चले आप। तो ये जो रैम आपको मिला है ना, दिस इज द वर्चुअल रैम, वर्चुअल सीपीयू और वर्चुअल ही आपको हार्ड डिस्क मिलता है, और 1GB क्या मिल, एक आपको वी निक दे दिया, वर्चुअल एनआईसी कार्ड। सर, फिर मतलब रेंट मॉडल और यूज एज यू गो में क्या डिफरेंस होगा? कम अगेन, आई मीन रेंट वाला मॉडल और यूज एज यू गो में, आई मीन पे एज यू गो यूज में क्या डिफरेंस होगा? रेंट का मतलब हो गया कि एक घंटे के लिए रेंट पे ले लिया आपने और उसी को हमने बोल दिया पे एज यू गो। गो मतलब टाइम कितना है आपका, कितने देर के लिए आप उसको रेंट पे लेना चाहते हैं, इट्स द सेम कीवर्ड, चाहे पे एज यू गो बोलो उसको, चाहे रेंट पे लेना बोलो। ड्यूरेशन आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाउ लॉन्ग आई एम यूजिंग द सर्विस। एक मेरा डाउट है, मुझे ये पूछना है कि जैसे मेरी वर्चुअल मशीन है 256GB की अमेज़न में, ठीक है, और मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1GB रैम, 1 CPU, 1 एक वर्चुअल हार्ड डिस्क और एक वीनिक कार्ड मैंने कंपनी से परचेज किया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि जैसे ये जो पैरामीटर्स हैं 1GB, ये ऑल टाइम मुझे अवेलेबल रहेंगे या इसमें भी वो ऑन डिमांड जब मुझे जरूरत होगी तब मुझे 1GB मिलेगा और बाकी टाइम पे मेरा नॉर्मल प्रोसीजर चलता रहेगा? जितना यूज कब तक अवेलेबल रहेंगे, AWS आपसे बोलता है कि मैं सर्वर के रनिंग कॉस्ट का चार्ज आपसे करता हूँ,
जैसे आपने बोला कि सर मैं सर्वर को एक घंटे यूज करने के बाद उसको शट डाउन कर देता हूं, तो क्या स्टॉप का भी चार्ज मेरे को देना पड़ेगा? नहीं, आपको सेम सर्वर अगर आप चार दिन के बाद पांच दिन के बाद स्टार्ट करोगे ना, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको फिर से मिल जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? रनिंग कॉस्ट का ही आपको पैसा देना है। आप सर्वर को ऐसा नहीं है, मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि सर जब भी सर्वर चाहिए होगा मेरे को बनाना पड़ेगा, क्या मैं सर्वर को फिर डिलीट कर दूंगा तुरंत? क्या मैं अल्टरनेटिवली ऐसा भी कर सकता हूँ सर्वर को शट डाउन कर दूं, एंड वेन एवर आई नीड द सर्वर अगेन आई कैन स्टार्ट द सेम सर्वर? यस यू कैन डू इट। और जो स्टॉप सर्वर होगा ना उसका कोई पैसा आपको नहीं देना है। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम कोई सर्वर लेते हैं और मान लीजिए 200 GB या 250 GB जो भी हमने लिया उसकी हार्ड डिस्क वगैरह, हाँ, तो हम उस पे भी हाइपरवाइजर चला के उसके अंदर भी वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं? इट्स नॉट सपोर्टेड। सर्वर के अंदर वहां पे आप अपना हाइपरवाइजर रन नहीं कर सकते। उन्होंने क्या कर रखा है, जैसे ये हाइपरवाइजर है ना, इस हाइपरवाइजर के अंदर आप एक और हाइपरवाइजर इंस्टॉल नहीं कर सकते। AWS को क्या फायदा होगा अगर वो ऐसा अलाउ करे? आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना क्यों चाहते हैं पहले तो वो समझो। क्लाउड हाइपरवाइजर का यूज क्या है? मल्टीपल मशीन रन करने है ना आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो मल्टीपल आप उनके हाइपरवाइजर पे कर लो ना। आपने तो ये गलत प्लानिंग कर दिया ना भाई, आपने वर्चुअलाइजेशन के अंदर वर्चुअलाइजेशन चला दिया। सो ये ठीक किया आपने? नहीं, ये तो कर भी गलत रहे और ये चीज पॉसिबल भी नहीं है। Then what about, हाँ जी, देन व्हाट अबाउट द हाई अवेलेबिलिटी? हाई अवेलेबिलिटी पूरा मिलेगा क्योंकि डेटा सेंटर में Amazon ने ऐसा नहीं कर रखा कि दे हैव द ओनली सिंगल हाइपरवाइजर, अगर वो डाउन गया तो आपका मशीन क्या हो गया, अनरीचेबल, ऐसा नहीं है। ओके, आपको कभी ये देखने को नहीं मिलेगा भाई, दे हैव द मल्टीपल हाइपरवाइजर्स जो डेटा सेंटर उन्होंने लगा रखा है ना। मैं थोड़ा सा ये बात भी करूंगा आपसे कल की क्लास में कि Amazon के जो डेटा सेंटर्स है ना, उन्होंने हमें डिजास्टर के लिए या हाई अवेलेबिलिटी के लिए अपने डेटा सेंटर को डिजाइन कैसे कर रखा है भाई, मेरे को भी तो पता होना चाहिए ना एज अ कस्टमर। मैं यार ब्लाइंडली तो आपके यहाँ सर्विस प्रोविजन करूंगा नहीं, टेल मी द कंप्लीट सॉल्यूशन। उन्होंने बस पता एक रिस्ट्रिक्शन रखा, एज अ कस्टमर यू कैन नॉट नेवर विजिट माई डेटा सेंटर, दैट्स इट। ओके, बट मैं डेटा सेंटर का लेआउट आपको बता सकता हूं कि बैकएंड में हाउ आई हैव कॉन्फिगर माय डेटा सेंटर, जिससे कि कस्टमर के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसको पता हो एटलीस्ट कि मैं जो ये चीज यहां पे करने को जा रहा हूं ना कि ये बैकएंड में है क्या। तो बैकएंड तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि वी आर यूजिंग द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम जो सर्विसेज आपको दे रहे हैं ना, दीज आर द वर्चुअल रिसोर्सेज, डेडिकेट सर्वर आपको फिक्स करके नहीं दे रहे हैं हम, आपको जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो वर्चुअल हैं। बैकएंड में वही हमारे पास सर्वर्स हैं जो आप अपने ऑन प्रमाइसिस डेटा सेंटर में लगाते हैं, बस डिफरेंस क्या है, आप अपने ऑन प्रमाइसिस डेटा सेंटर को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, कॉन्फिगर भी कर सकते हैं, डेटा सेंटर में बैठ के आप काम भी कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे लिए कस्टमर हैं, IBM ने अगर 100 सर्वर्स Amazon से ले रखे हैं रेंट पे, तो याद रखना IBM चाहे कितना भी इंटरप्राइज कस्टमर है Amazon के लिए, Amazon कभी अलाउ नहीं करता कि आप मेरे डेटा सेंटर को विजिट कर लो। एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, चाहे आपका Amazon हो, चाहे आपका Microsoft हो, चाहे आपका Google हो, ये लोग कस्टमर को कभी अलाउ नहीं करते डेटा सेंटर विजिट करने के लिए। सर कस्टमर का कोई से नहीं होता टोपोलॉजी डिजाइन में या वो कैसा चाहते हैं, अगर कोई सर्वर ही पूरा ले ले इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर वर्चुअल मशीन्स? उसका फिर एग्रीमेंट होता है, वी कैन रेंटेड आउट दी फुल सर्वर, लेकिन उसके जो चार्जेस है ना फिर आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। आप ये चाहते हैं ना, मेरे को ये पूरा सर्वर चाहिए सर, हाँ जी, यू कैन टेक इट। बट एक चीज याद रखना, फिर Amazon आपसे ये नहीं बोलेगा, ये लोग भी ऐसा भी वो लोग देते हैं, आपने बोला कि यार इसमें सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है कि एक हाइपरवाइजर पे IBM के भी मशीन चल रहे हैं, SCL के भी चल रहे हैं और इंफोसिस के भी चल रहे हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है ना। हाँ मतलब करने के लिए अगर कोई बड़ा मेजर कस्टमर है एंड मान लीजिए वो 10 सर्वर, मतलब 10 सर्वर के 100 सर्वर्स लेना चाहता है,
तो क्योंकि उनको नहीं पता कितने टाइम वो यूज करेंगे, तो उस टाइम उनका कुछ से रहता है कि मैं अपनी टोपोलॉजी ऐसे करना है तो आप करके दे दो, बट आई मीन AWS कैन डू इट और AWS टीम कैन डू इट, बट एज पर द कस्टमर आस्क आपके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे वो, जो उनका वर्चुअलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो उसको सेम रखते हैं, वो बोलेंगे कि जो ये हाइपरवाइजर का इंस्टॉलेशन है ना आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उनको बोल दो कि मेरे को 256 GB का ना ओनली हार्डवेयर दे दो और इस हार्डवेयर पे जो आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर देना वो ना करके मैं अपना करूंगा, ऐसे ही चाहते हैं ना आप कुछ? नहीं नहीं मतलब मैं कह रही हूँ सर्वर्स की कनेक्टिविटी को लेकर कि मैं कनेक्टिविटी आप उनसे ये बोल ही नहीं सकते, दे हैव द डेडिकेट गाइडलाइंस, आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि सर आप इनमें कनेक्टिविटी करके दे दो, वो ऐसा समझते नहीं इस लाइन को, वो क्या बोलते हैं कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ हो रखा है बैकएंड में, आपको अगर डेडिकेट सर्वर पूरा चाहिए ना, बट इसका जो हाइपरवाइजर लेयर है वो हमने ऑलरेडी रेडी कर रखा है, हम ये गारंटी दे सकते हैं, अमेज़न ये बोलता है कि मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूं कि इस 256 GB के हाइपरवाइजर पे मैं और किसी के मशीन प्रोविजन नहीं करूंगा, ओनली आपके लिए ये फिक्स है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आपके लिए फिक्स करके दे दूंगा, लेकिन उसका जो चार्ज होगा ना वो हो सकता है, आपने बोला ये पूरा हाइपरवाइजर मैंने ले लिया, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, AWS बोलता है इसका टोटल कॉस्ट है 1 लाख, चाहे आप यूज करो चाहे मत करो, आपने बोला कि अगर मैं इस एक सर्वर पे एक मशीन चलाऊंगा तो कॉस्ट क्या होगा, तो भी वो क्या बोलते हैं कि मेरे को इससे मतलब नहीं है, आप इस पे एक मशीन चलाओ, 10 मशीन चलाओ, 40 मशीन चलाओ, मेरे को कितना कॉस्ट देना पड़ेगा आपको? 1 लाख रुपीज, क्योंकि मैं आई एम गिविंग द गारंटी टू यू कि मैं इस पे और किसी कस्टमर के VM को प्रोविजन नहीं करूंगा। बट अगर नमिता का जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रही थी कि आपका क्या नाम है, कोई बड़ा कस्टमर है उसका क्या नाम है, कोई उनके डिजाइन लेआउट में टोपोलॉजी में कोई रोल रहता है कि नहीं रहता? नहीं कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि फिर पर्पस सॉल्व नहीं होगा। बट इनकेस इस केस में तो कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, मतलब आई मीन सिर्फ वर्चुअल मशीन लेयर पे डिफाइन कर ले, मान लीजिए टुमारो एक स्टार्टअप इज कमिंग अप, ठीक है, बट दे डू नॉट नो कि कितना क्या कब तक चाहिए उनका रिक्वायरमेंट, आज उनके पास मेजर कस्टमर है, उनको 50 सर्वर चाहिए, वो अपना डेटा सेंटर नहीं लगा सकते हैं, कैन नॉट दे कांट दे आस्क AWS टीम टू डू इट, रिक्वायरमेंट दे आर मल्टीपल मशीन। भाई एक चीज बताओ मेरे को, हाइपरवाइजर इंस्टॉल कब होता है? हाइपरवाइजर आपको बोला गया इंस्टॉल करना है तो आप क्या करते हैं प्लानिंग? एटलीस्ट यू शुड हैव द सर्वर, राइट? यू शुड हैव द नेटवर्क कनेक्टिविटी, देन ओनली यू कैन इंस्टॉल द हाइपरवाइजर। AWS ने तो क्लियर बोला है कि भाई जो हमारा वर्चुअलाइजेशन का जो लेयर है ना उसको आप लोग टच नहीं कर सकते, हम आपको जो ये वेयर ये जो फिजिकल सर्वर है ना वो सर्वर भी नहीं देते, हम ओनली हाइपरवाइजर आपके लिए फिक्स कर सकते हैं आपके अकाउंट में। अच्छा, यू विल नॉट टच, और आप अपना डायग्राम भी प्रपोज नहीं कर सकते कि सर ऐसा टोपोलॉजी बना के दे दो हमें, नहीं। बिजनेस मतलब सर AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अपनी कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, नहीं, उनका जो बैकएंड है ना उसको आप देख भी नहीं सकते दोस्त। मैंने ऐसा भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है कि डेटा सेंटर में आपके जो सर्वर्स है ना कौन से रैक में है, कौन से हाइपरवाइजर पे है, ये भी आप नहीं देख सकते। अगर AWS ने बोला है कि हमने हाइपरवाइजर फिक्स कर दिया है तो इट्स ऑल अबाउट द बिलीव, आप उनसे भरोसा करके ही बिजनेस करते हैं बस, और क्लाउड कंप्यूटिंग ना इट्स ऑल अबाउट द फेथ। जैसे एक चीज बताओ मेरे को, गूगल ड्राइव आप सबने सुना है, सब लोग यूज करते हैं, अब गूगल ड्राइव में जो 15 GB का स्पेस मिला है, आप जो अपना डेटा वहां पे रखते हैं, हु इज मैनेजिंग योर डेटा? गूगल वाले मैनेज कर रहे हैं क्या? गूगल वालों ने कभी ऐसा किया कि आपके उस डेटा को डाउनलोड करके किसी और को दे दिया? सुना आपने कभी तक आज तक? हाँ जी नहीं सर, नहीं भाई ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट्स को कोई इंपॉर्टेंट डेटा आपने रखा हुआ था वो डाउनलोड करके दे दिया उन्होंने? नहीं, नहीं होता ऐसा, क्योंकि हमें पता है गूगल ड्राइव इज सिक्योर,
गूगल वालों ने बोला कि व्हेन यू आर जस्ट साइनिंग टू द जीमेल वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द एडिशनल 15 जीबी स्टोरेज, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि गूगल आपके डेटा के साथ प्ले करता हो भाई, ऐसा तो अमेजोन भी कर सकता है ना। अमेजोन कितना बड़ा क्लाउड प्रोवाइडर कॉम्पिटिटर है मार्केट में और कितने कस्टमर उनसे कनेक्टेड है। हमने AWS के डेटा सेंटर में जाके अपना डेटाबेस भी है, डेटाबेस के अंदर हमने अपना डेटा भी सेट, जो भी अपना डेटाबेस हमने बना रखा है, इतना बड़ा डेटा हमने उनके क्लाउड में रखा हुआ है, तो क्या वो एक्सेस नहीं कर सकते भाई। मैं अगर किसी चीज का ऑनर हूं, मैंने बोला मैंने आपको अपना स्टोरेज का सर्विस दे रखा है, तो स्टोरेज का एक्सेस किसके पास है लोकली? मेरे पास, अमेजोन के पास है। बट अमेजोन ने सिंपल बोला हुआ है कि हमारा जो क्लाउड है ना, हमारे जो इन हाउस इंप्लॉय जो बैठे हुए हैं डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए, उनको हमने 0% माइनस जीरो आप मान के चले, अथॉरिटी नहीं है आपके डेटा को जाके वो चेक कर लें। तो सर व्हेन वी से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर, तो उसमें हम बेसिकली नॉर्मली हाइपरवाइजर लेवल तक ही बात करते हैं, हमारा कोई नहीं, गलत हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की मैं बताने वाला हूँ, उसमें हाइपरवाइजर नहीं आता है। अच्छा, चलो अभी हम बात करते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन सबको क्लियर है राइट? सर बस एक क्वेश्चन और, ये जो AWS हार्डवेयर यूज करता है, ये इनका अपना हार्डवेयर होता है, मतलब इनके अपने सर्वर्स हैं, या ये अलग वेंडर से भी लेते हैं? अलग वेंडर से लेते हैं, Amazon नॉट डीलिंग विद द फिजिकल हार्डवेयर। कुछ हार्डवेयर उनके डेल के भी हैं, ज्यादातर जो हार्डवेयर है ना वो डेल का है, और उसमें भी कस्टमर का कोई से नहीं है, मतलब हमारा कोई से नहीं है कि हम क्या लेना चाहते हैं। नहीं, वो आपको नहीं देंगे, दे सकते हैं, उसमें एक एग्रीमेंट होता है, आपको ना लीज उनसे लेना पड़ता है कि एक साल के लिए आप कनेक्शन बना रहे हैं या तीन साल के लिए, एग्रीमेंट आपको करना पड़ता है उसके लिए। हार्डवेयर आपकी मर्जी का मिल जाएगा, लेकिन यू विल हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस। ठीक है, वैसे सर यूजर्स को तो केवल सर्विसेज से मतलब होता है ना? सर्विसेज से मतलब है, क्योंकि हार्डवेयर देखो, हमारे पास हार्डवेयर कब हमें डिमांड होता है, क्योंकि AWS तो ये बोलता है ना कि मैं बेस्ट हार्डवेयर देता हूं आपको, मेरा जो हार्डवेयर है बैकएंड में वो मैंने लेटेस्ट जनरेशन का लगा रखा है, तो कस्टमर को भी वही चाहिए होता है, और उन्होंने अपना जो बिजनेस है ना वो बेस्ट फॉर द कस्टमर रिक्वेस्ट, कस्टमर्स के इनपुट्स उन्होंने लिए हैं पहले, समझा है कि यार कस्टमर कौन कौन से हार्डवेयर की डिमांड करता है, तभी उन्होंने ना अपने बिजनेस को, अपने डेटा सेंटर को उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रखा है, और कभी भी कोई चैलेंज हमारे सामने हार्डवेयर का आता ही नहीं है, क्योंकि हम उनको पैसा दे रहे हैं, और पैसा जब हम दे रहे हैं ना, दे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द कस्टमर, दैट्स इट। ठीक है।